तो हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल SMIA पे। और इस चैनल में हम आपके लिए लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ लेके आते रहते हैं और आपको नए नए स्टॉक्स में निवेश की राय भी देते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है और कई स्टॉक्स बहुत ही तेज़ी से भाग रहे हैं। उनमें से एक स्टॉक है टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड। इस स्टॉक में आज 10% की रैली देखने को मिल रही है और ये जो स्टॉक है 10% की तेज़ी के साथ 1451 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है एट ए टाइम पीरियड ऑफ नियरली 2 PM। अब आने वाले टाइम में इसके टारगेट क्या रहेंगे, इसकी पास्ट परफॉर्मेंस किस तरह की निकल कर आ रही है, इसके फाइनेंशियल पैरामीटर किस तरह के निकल कर आ रहे हैं, आइए सारे डिटेल इसके एक एक करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले, यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट किए हो, पहले आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। सो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के स्टॉक की प्राइस का एनालिसिस कर लेते हैं। तो यदि लास्ट 5 डे की इसके स्टॉक की परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे फ्लैट ट्रेंड देखने को मिल रहा है, 0.11% की गिरावट देखने को मिल रही है। पहले इस स्टॉक में बहुत डाउन ट्रेंड देखने को मिला था, लोअर सपोर्ट लेवल इसका 1320 का निकल कर आ रहा है। यहाँ से इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया ट्रेंड रिवर्सल शो कर दिया है, पॉजिटिव मोमेंटम शो कर दिया है, रिकवरी शो कर दी है। और यदि इस स्टॉक का 1 मंथ का पैटर्न देखें तो यहाँ पे 7.33% की गिरावट ही देखने को मिलेगी। आइए इसका 6 मंथ का पैटर्न देख लेते हैं तो यहाँ पे 74.64% के बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिलेगी। रेजिस्टेंस लेवल इसका 2000 का है, यहाँ से इस स्टॉक में बड़ी गिरावट भी देखने को मिल चुकी है। यदि इस स्टॉक का थोड़ा लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखें, 1 ईयर का पैटर्न देखें, 80% के अराउंड बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। आइए आप इसका 5 ईयर का पैटर्न भी देख लेते हैं। तो लास्ट 5 ईयर्स में इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2900% से भी ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हुए हैं। तो 5 साल पहले इसके स्टॉक की जो प्राइस थी 48 रुपीज़ थी, तो आज आप देख सकते हो ये जो स्टॉक है 1451 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को नियरली 30 टाइम्स के जो है रिटर्न्स दिए हुए हैं इन द लास्ट 5 ईयर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी ये जो स्टॉक है अपने हाईएस्ट लेवल से डिस्काउंट पे मिल रहा है, करेक्शन में चल रहा है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन है क्योंकि लोअर लेवल पे आप अच्छे क्वालिटी के स्टॉक में इंटर कर सकते हो। कल को जैसे ही मार्केट रिकवर करेगी या स्टॉक रिकवर करेगा तो आपको भी अच्छे चांसेस हैं कि आपको अच्छे रिटर्न्स मिलें। यदि इस स्टॉक का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखें तो 663% के रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसके फाइनेंशियल जान लेते हैं। तो ये जो कंपनी है टेनला प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, दिस वॉज प्रीवियसली नोन एज टेनला सॉल्यूशंस लिमिटेड। और दोस्तों, ये जो कंपनी है क्लाउड कम्युनिकेशंस में काम करती है और हैदरा बेस्ड कंपनी है एंड इट प्रोवाइड्स वैल्यू एडेड सर्विसेज इन द क्लाउड कम्युनिकेशन स्पेस एंड दिस हैज़ 10 ऑफिसेज इन डिफरेंट लोकेशंस इंक्लूडिंग सिंगापुर, लंदन, कोलम्बो, दुबई। दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो कंपनी है क्लियरली मल्टीनेशनल कंपनी है और क्लाउड कम्युनिकेशन में इस कंपनी का बहुत ही अच्छा बिजनेस है। और ये जो कंपनी है 1999 में शुरू हुई थी और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इसके 162 है, हैदराबाद इंडिया बेस्ड कंपनी है। लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर चेक करें, दिसंबर 2021 में इसके रेवेन्यू में 35% की ग्रोथ देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट इनकम में 68% की ग्रोथ है, EPS में 69% की ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको 24% के हिसाब से ग्रो होते दिख जाएंगे। यदि इसकी ऑपरेटिंग इनकम देखें तो यहाँ पे भी नियरली 62% के अराउंड तेजी देखने को मिली थी। तो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर्स इसके बहुत ही पॉजिटिव निकल कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस स्टॉक में अपने हाईएस्ट लेवल से बहुत ही बड़ी जो है करेक्शन भी शो करती है, प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल गई है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी मार्केट हो, कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती है, ये आपको माइंड में रख के चलना होगा। तो इस स्टॉक में भी आपको प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके स्टॉक का डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं और इसके टेक्निकल लेवल भी चेक कर लेते हैं। तो आजकल इसकी जो करंट प्राइस है 1448 के अराउंड चल रही है। सबसे बड़ी इस कंपनी की स्ट्रेंथ देखें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी निकल कर आ रही है।
इसका यदि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो आप देख सकते हो 19,696 करोड़ का है। मिड कैप टाइप कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है। और यदि इसकी पीई रेशो देखें तो 39 की चल रही है, सेक्टर की पीई रेशो 41 की है। तो अभी ये जो स्टॉक है आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पे मिल सकता है, लो वैल्यूएशंस पे मिल सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइस टू बुक रेशो इसकी 22 की देखने को मिल रही है। यदि इसके हम वैल्यूएशन चेक करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन देखने को मिल रही है एज़ कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। इसके तीन रेजिस्टेंस लेवल हैं 1364 का, 1410 एंड 1442 के। तो शॉर्ट टर्म में इसका जो है 1332 के अराउंड बहुत ही बढ़िया पाइवट देखने को मिल रहा है। यदि इसकी मूविंग एवरेज चेक करें तो करंटली पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म में ज़रूर इस स्टॉक में अच्छी रिकवरी जो है वो देखने को मिल चुकी है, क्योंकि 5 डे की और 10 डे की इसकी मूविंग एवरेज बहुत ही ब्यूलिश है। आगे बढ़ेंगे और इस स्टॉक की अब हम वॉल्यूम का देख लेते हैं एनालिसिस। तो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिला है। आप बंद मंथ का एवरेज वॉल्यूम 3 लाख का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एवरेज के कंपैरेटिवली बहुत ही बड़ा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूसली राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक में वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और यहाँ पे इसके स्टॉक के पैटर्न में भी बहुत ही बुलिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में ये जो स्टॉक है बड़े टारगेट हिट करता आपको दिख सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके लॉन्ग टर्म की फाइनेंशियल ग्रोथ देख लेते हैं। रेवेन्यू का पहले 5 ईयर का डाटा देखेंगे तो कंटिन्यूसली इसके रेवेन्यू में ग्रोथ ही देखने को मिलेगी ओवर द लॉन्ग टर्म। 5 सालों में इस स्टॉक का जो रेवेन्यू है वो 579 करोड़ से बढ़कर 2341 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंटिन्यूसली इसके रेवेन्यू में वृद्धि देखने को मिल रही है। यदि इसका नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे भी बहुत ही शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। बीच में ज़रूर वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल 5 ईयर का जो पैटर्न है मल्टीफोल्ड जंप शो कर रहा है इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर के पास नियरली 43.74% का स्टेक है और FIIs के पास 13.47% का स्टेक है। DIIs के पास 0.05% का स्टेक है। पब्लिक के पास 42.75% का स्टेक देखने को मिला है। यदि इंस्टीट्यूशंस की होल्डिंग देखें तो म्यूचुअल फंड्स और FIIs ने इस स्टॉक में अपनी स्टेक को इनक्रीज़ किया हुआ है, ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है। और प्रमोटर्स ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो इस स्टॉक में इंक्रीज़ कर दी है इन द दिसंबर 21 क्वार्टर। म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग भी बढ़ रही है, FIIs की होल्डिंग भी बढ़ रही है। तो बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस स्टॉक में कभी भी आपको जो है वो बड़े टारगेट हिट होते दिख सकते हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो टोटली इसका 0 है। ROE की परसेंटेज बहुत ही शानदार है, 39 की है, दैट इज़ हाईएस्ट अमंग द इंडस्ट्री। PE रेशियो 39 की है, दैट इज़ आल्सो वन ऑफ द अट्रैक्टिव वैल्यू। तो दोस्तों एंड में यदि हम इसका एनालिसिस करें तो हम आपको कह सकते हैं ये जो कंपनी है ये एक डेब्ट फ्री कंपनी है, मिड कैप कंपनी है, आईटी सेक्टर की कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग है। आप इसके टेक्निकल्स भी बहुत ही ब्यूलिश ट्रेंड शो कर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। 1 साल का इसका जो टारगेट है वो नियरली 2000 के अराउंड रह सकता है, तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स इसमें आपको मिल सकते हैं। तो आप धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बना सकते हो। सो एंड में हम आपका थैंक्स कहेंगे, आपने हमारे को टाइम दिया, हमारी वीडियो को सुना। अभी तक यदि आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हो पहले इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी जरूर प्रेस करें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो भी मिलता रहेगा।